तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। तो लास्ट क्लासेस में हमने कस्टम फॉर्मेटिंग के बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, अब चलिए उसमें कुछ और नई चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल हमने आपको पढ़ने के लिए दिया था, उस आर्टिकल में देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और टेक्स्ट डाला हुआ है, इसका मतलब क्या है चलिए समझते हैं। नंबर इसमें डेटा कितने तरह का होता है, पॉजिटिव हो सकता है, नंबर हो सकता है इन द पॉजिटिव, नंबर हो सकता है इन द नेगेटिव, जीरो हो सकता है और टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया कि प्रीफिक्स सफिक्स मतलब कि आगे कुछ लगाना चाहते हैं या पीछे कुछ लगाना चाहते हैं, तो उसके उस केस में हम यहाँ पे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया कि मुझे लगाना है ए टी लगाना है नंबर में, तो आ गया टी आ गया, उसके बाद हम हैश देते हैं तो नंबर आ जाता है, आ जाता है ना। तो यही इसी के अंदर चार कैटेगरी है कि अगर हमने पी दिया और फिर हम यहाँ पे सेमी कॉलन देते हैं और यहाँ पे देते हैं एन और फिर हैश देते हैं, तो अब क्या होगा कि पॉजिटिव के जगह पे पी और नंबर आएगा, निगेटिव के जगह पे एन एन नंबर आएगा, समझ गया। ऐसा क्यों, क्योंकि इसने बताया कि पहला स्थान क्या है पॉजिटिव के लिए और दूसरा स्थान निगेटिव के लिए, दोनों के बीच में सेपरेशन किससे है, सेमी कॉलन से, राइट सर। हाँ जी, तो यहां पे ये चीज हमने किया और तीसरा पोजीशन जीरो का, तो हमने यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा में जेड डाल दिया और हैश कर, और चौथा पोजीशन टेक्स्ट का टी इन्वर्टर कॉमा में टी डाल दिया और एट द रेट। तो जीरो और हैश नंबर के लिए होते हैं और एट द रेट किसके लिए होता है, टेक्स्ट के लिए होता है। अब यहाँ पे एट द रेट जानना क्यों, नंबर जीरो हैश तो नंबर शो करने के लिए हम डालते हैं और हम एट द रेट ना डालें तो क्या होगा, टेक्स्ट की जगह पे नहीं, मुझे एट द रेट एक मिनट गलत हो गया, हाँ एट द रेट ना डालें तो क्या होगा, तो टेक्स्ट आ जाएगा। अच्छा नहीं इसमें छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पे कॉमा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सेमी कॉलन होना चाहिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट हो गया टेक्स्ट। हाँ जी, तो इसमें टेक्स्ट टी शो कर रहा है, टेक्स्ट 19 शो कर रहा है और जेड शो कर रहा है जीरो का, क्योंकि यहाँ पे हैश है और हैश के जगह पे अगर मैं जीरो दे दूंगा तो जीरो शो करेगा और टी के बाद अगर मैं एट द रेट दे देता हूं तो फिर वो टेक्स्ट भी शो करेगा। अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं, चलिए इसका यूज हम बताते हैं। जैसे कि आप लोग बायोमेट्रिक डेटा को समझते होंगे, तो मान लीजिए आपको एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस आया, तो बायोमेट्रिक यानी कार्ड पंचिंग होता है ना। हाँ जी, तो यहाँ पे कार्ड पंच किया गया और कार्ड पंच करके बताया कि बंदे ने कितना बार अपना कार्ड को स्वाइप किया है दरवाजा खोलने के लिए, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक ये तो मतलब जिस दिन आया है उस दिन वो उसने कार्ड को पंच किया है, मतलब कि उस दिन वो प्रेजेंट, समझ गया। और जिस दिन वो नहीं आया उस दिन कार्ड पंच नहीं किया तो उस दिन वो जीरो है, मतलब कि निगेटिव, ठीक है। Yes.
क्लियर है? हाँ जी। पूरे को सिलेक्ट करते हैं और मैं यहां पे करना चाहता हूं जो नंबर है वो हमारा पी पॉजिटिव है और जीरो ए अब्सेंट है। तो यहां पे हम फॉर्मेट सेल में जाते हैं और यहां पे हम देते हैं पी जो कि पॉजिटिव है और यहाँ पे सेमी कॉलम दिया नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव पे कुछ वैल्यू है नहीं, कुछ देना नहीं है, तो इसको हमने ब्लैंक शो कर दिया और ए फॉर अब्सेंट, जीरो के जगह नहीं, जीरो के जगह पे हमने ए कर दिया। सर ये सेमी कॉलम डबल क्यों लगा दिया? क्योंकि आपका जो ए आर्टिकल कहता है पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा जीरो है। ओके, तो पॉजिटिव पे तो हमने पी दे दिया, नेगेटिव पे तो कुछ दे रहे हैं, अटेंडेंस पे स्वैपिंग नहीं देता, नेगेटिव तो आएगी, तभी आएगी जीरो पॉजिटिव। तो मुझे अब इसको सीक्वेंस में करना है ना, तो इसके जगह पे हमने कुछ नहीं दिया और हमने सेमीकोलन कर दिया, तो ये नेगेटिव अगर हुआ तो उसमें कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा और जीरो दिख जाएगा। और आपने इससे पहले जो हैज बताया, हैज का क्या काम होता है इसमें? हैश, इसमें हैश होता है नंबर को शो करने के लिए होता है ना, हैश और जीरो तो नंबर को शो करेंगे ना। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे कि एमआरपी 500 है, तो अगर मैं एमआरपी और हैश नहीं डालूंगा तो दिखेगा, जैसे एमआरपी डाला तो एमआरपी दिखेगा, तो हैश और नंबर तो जीरो को, हैश या जीरो तो नंबर जो भी हो टाइप हुआ वैल्यू उसको शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, ठीक है, ठीक है सर। समझ गया? हाँ जी सर। अब नीचे वाला लाइन, ऊपर लाइन से नीचे लाइन देखिए कि सेम चीज, ये क्या किया हुआ है कि कलर दे दिया हुआ है कि ब्लू हो जाए, रेड हो जाए, समझ गए ना? तो आप भी यहाँ पे अपना दे सकते हैं कि मेरा यहाँ पॉजिटिव जो है वो हमारा ग्रीन हो, ब्लू हो, तो ग्रीन कर देता हूँ, बड़े ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया और नेगेटिव को कर दिया मैंने रेड, समझ गए? या ग्रीन होगा ये पूरा होगा, आया समझ में सर? तो अगर आप कोई कशको भी डालते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पे कलर डालना चाहते हैं या टेक्स्ट पे कलर डालना चाहते हैं तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें ये बताया हुआ है कि आप इसमें किसी तरह का जो ये है मैथमेटिकल ऑपरेटर है उसका यूज आप कर सकते हैं विदाउट इंक्लूड इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है? और यहां बताया गया जीरो हैश के बारे में बताया जिसमें मैंने आपको समझा रखा, और एक कुछ सैंपल है कि अगर आप एक कोड यूज करेंगे तो इससे आपका ऐसा दिख जाएगा, एक कोड यूज करेंगे तो आपको इससे आपका ऐसा दिख जाएगा, तो आप इसका यूज करके अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसमें कोई खास नहीं है। और ये है आपका 1000 सेपरेटर का, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैंने 12000 लिखा या 50000 लिखा, मुझे यहाँ पे 50 दिखाना है, 50K और अमाउंट इन 1000 में हो जाए, तो इसके आगे हम ये कर देता हूँ कि एक हैश और एक सिंगल कॉमा, 50 आ गया। और इसी में अगर मैं कर दिया तो 50 क्या आ गया। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर।
वो नहीं होते सर। ओके तो ये हमारा 50 किया हो गया, ठीक है ना। तो आप जो है अमाउंट इन थाउजेंड में कर देंगे, तो अमाउंट इन थाउजेंड आप बोलेगा सर मैं मान लीजिए यहाँ 1 लाख लिख दिया, तो या मान लीजिए मैं 1.5 लाख लिख देता हूँ, तो 150 किए लिख दिया। लेकिन आपको अमाउंट इन करोड़ में करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आप यहां कस्टम पे जाएं, यहां पे 0.0 और डबल हैश, 0.00 माफ कीजिएगा, ठीक है, 220 करोड़ होगा, ये हो गया 20 करोड़ 20 लाख, या मान लीजिए आप 25 डाल देता हूं तो 25 लाख, समझ गए। बट इसे 100 करना 20 करोड़ 25 लाख तो क्या, अगर इसको 20 करोड़ 25 लाख 100 करना हो, 20 सी एंड 20 लाख 25 करोड़ 20 करोड़ 25 लाख 100 करना है, तो आप इस जीरो के बाद जीरो दिख रहा है ना सर, हाँ जी, जीरो के बाद यहाँ पे लिख दो, ठीक है, और फिर लास्ट में लिखते हैं, हो गया। ओके ठीक है सर, हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर, इसको बल्क में करना है तो कैसे करेंगे, क्या वर्ड मतलब बल्क में, मतलब अगर यहाँ पे 10,000 का डेटा है तो 10,000 का डेटा में ऐसे कितने बैठूंगा, तो ये अमाउंट इन वर्ड होता है, किसकी बात कर रहे हैं जी, अभी आपने कैसे किया है, और चेक वगैरह पे लिखते हैं जी, नहीं उसके लिए वीबीए प्रोग्रामिंग यूज करना पड़ेगा, उसके लिए एक्सेल में कोई फीचर नहीं है, और वीबीए प्रोग्रामिंग का कोड आपके हेल्प में है, आप कहोगे तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, सिंपल कॉपी पेस्ट करना होता है सर। आपने अभी बताया है ना कि नेगेटिव वैल्यू को हाईलाइट करना कैसे होगा, तो हाईलाइट करना, हाँ अभी थोड़ी देर पहले बताया आपने, वीडियो आया एक आपको, ये तो प्रीफिक्स सफिक्स लगा दिया, किसी भी नंबर से पहले और बाद में कुछ लिख सकते हैं उसका, अच्छा अगर मुझे सर कोई भी अमाउंट है लाइक 2 करोड़ 57 लाख कुछ ऐसे अमाउंट है और मुझे वो दिखाना है सर, अमाउंट इन लाख नहीं कर सकते सर, आप अमाउंट इन थाउजेंड कर सकते हैं या करोड़ कर सकते हैं, लाख नहीं कर सकते, नहीं यहाँ पे क्लियर मेल दिया हुआ है ना, आप अगर देखेंगे यहाँ अमाउंट इन थाउजेंड थाउजेंड में होगा और इन लाख में, ये लाख ये करोड़ है, आप इसको देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा समझ में आ जाएगा, और दूसरा तरीका भी है लेकिन वो भी आप समझ नहीं पाएंगे, हम बाद में बताएंगे आपको, हिंदी तरीका इंडियन करेंसी तरीका, ये आपके सारे कलर्ड है, आप यहाँ पे कंडीशनल कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ नंबर दिया और मैंने बोला कि वो नंबर जो है ग्रेटर देन किसी एक नंबर से बड़ा किसी नंबर से छोटा हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल में हम कस्टम पे जाएंगे, अब यहां पे हमने ये बोला यहां पे रेड रेड कंडीशन है लेस देन 100, पहले एक कंडीशन हो गया कलर कंडीशन, फिर सेमी कॉलन, फिर दूसरा कलर और दूसरी कंडीशन, और सारी बड़ी ब्रैकेट, ठीक है सर, कंडीशन दे सकते, लेकिन ये चीजें हम जरा यूज नहीं करते क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे पास इससे ज्यादा बेटर है, बड़े डेटा में कर सकते हैं ये वाला काम,
ऐसे बता दिया क्योंकि कई सारे एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं, मतलब कि इंटरव्यू में पूछ देते हैं, सॉरी। नहीं नहीं सर, एक आपने जो ये किया है ना वो कितना बल्क डेटा में, मतलब ये भी इजी है सर, मतलब अगर आपको करना है तो कस्टम से आप कर सकते हो, बट कितना बल्क डेटा में हो पाएगा और कितना एक्यूरेसी हो जाएगा इसमें? अगर मुझे सर 4 से 5 कंडीशन लगाना हो इसकी तरफ जाएगा क्या? नहीं इसमें 3 कंडीशन तक जाता है। अच्छा, सिर्फ 3 कंडीशन, मतलब इटरेट कर सकते हैं कि इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे पास है जो कि इससे बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारे फॉर्मूला कैलकुलेशन अप्लाई होते हैं, समझ गए ना। और दूसरी चीज है कि ये सिर्फ नंबर पे वर्क होगा ना, टेक्स्ट पे तो वर्क होगा नहीं, टेक्स्ट पे डेट पे ऐसे वर्क नहीं होगा। ओके ओके, ये आपके सामने डेट का फॉर्मेट है कि देखिए आप अगर कोई यहाँ पे डेट डेट को समझिए, मैं यहाँ पे कोई डेट डाल देता हूं। अब डेट डालने के बाद यहाँ देखिए, अब यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखिएगा, देखिएगा हम बात करते हैं डी से, अगर हमने एक डी दे दिया तो 1, 2, 3 के फॉर्मेट में आएगा डेट। 2D कर दिया तो 0, 1, 2 के फॉर्मेट में आएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सैंपल। 3 बार फॉर्मेट किया तो ए वीक डे शॉर्ट में नेम आएगा, जैसे कि वेनस्टे की VEDN FRI ऐसे आएगा। 3 या 4 से ज्यादा बार दे दिया तो ये कंप्लीट मंथ में आएगा, वेनस्टे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह से। और इसके बीच में चाहे जो मर्जी सेपरेटर लगा सकते हैं, 2 बार डी कर दी। हम महीना देख लीजिए, 1 AM मतलब कि 1, 2, 3, 2 AM 0, 1, 2, 3, 3 AM शॉर्ट मंथ, 4 AM फुल मंथ, 5 AM फर्स्ट लेटर ऑफ द मंथ, और 5 से ज्यादा फुल नेम, और फिर ईयर वाई वाई ईयर के लिए। अब इसको आप अपने मर्जी से जैसे उलट फेर, जैसे तोड़ मरोड़ के लगाना चाहे लगा सकते, ठीक है। और सेम ऐसे ही टाइम में होता है, टाइम में H फॉर आवर, M फॉर मिनट, S फॉर सेकेंड, और AM PM लगाना है तो AM/PM। लेकिन टाइम अगर मान लीजिए कि 54 घंटे 23 मिनट का टाइम है और इसके ऊपर कोई और फॉर्मेट अप्लाई हो गया हुआ तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसको चेंज करने के लिए हम कस्टम में जाएंगे और AM PM तो पहले हटा देते, और जो बड़ी बड़ा ये जो आपका H दिख रहा है उसको बड़ी ब्रैकेट में डालते हैं तो फिर 52 दिखेगा। तो 24 घंटा से ऊपर का डेट के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। Without, sir? ये आपका कस्टम फॉर्मेटिंग का पूरा चैप्टर रहा, और कल 8 बजे शाम में आप लोग अगर फ्री हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, नया बैच शुरू कर रहा हूँ। ठीक है सर, कल तो फिर क्लास कितने बजे? सैटरडे है ना? हाँ तो कल रात को 8 बजे की बात कर रहा हूँ ना, 8 से भाई क्लास होगी। तो आपकी क्लास नहीं है, किसी और की है, आप लोग भी इनवाइटेड है। हेलो, हाँ बोलिए सर, मुझे मॉर्निंग का क्लास मिल जाएगा क्या 9:30 का? ठीक है, फोन पे आप ठीक है फोन पे बता दीजिएगा। नहीं मैं फ्री हूँ सर, 9:30 मतलब कंफर्म है, उसमें कोई अभी इशू नहीं है, मतलब 9:30 मुझे कंटिन्यू करना है और मुझे क्लोज करना चाहिए, बिकॉज ऑफ मेरे पास टाइम नहीं रह जाएगा। ठीक है सर, हो जाएगा ना सर 9:30? देखता हूँ, बताता हूँ।